गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? टेक्नो शिक्षा आज आपके लिए आपकी कंपटीशन मैथ्स के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात इस चैप्टर का सेकंड पार्ट लेके आया है। ओके, तो सभी लोग तैयार रहे। बिल्कुल शाबाश, जैसे कि आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी आ रहा है, तो बिल्कुल रेडी हो जाए और जोर शोर से लग जाए। आपके लिए सभी चैप्टर पूरे पूरे आपके पास प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। आप एक एक चैप्टर को, सभी वीडियोस को बारी बारी से देखें और अपना ज्ञान बढ़ाते रहें। चलें, आइए। मैंने कहा अनुपात समानुपात, इसका फर्स्ट पार्ट आप कर चुके थे। अगर किसी ने नहीं किया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखकर पहले फर्स्ट पार्ट कर ले, ठीक है? उसमें 13 तक क्वेश्चन हम कर चुके थे। आज आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या कहता है 14 में। कहता है संगीता और प्रीति इन्होंने एक साथ मिलकर 6,630 रुपए जमा करे। कितने रुपए जमा करे? 6,630। और किस अनुपात में है ये है हमारे किस अनुपात में? 4:9। सवाल समझ में आया? कुल 6,630 रुपए और 4:9 के अनुपात में। कहता है संगीता को कितना धन, संगीता ने कितना धन जमा किया। फॉर्मूला वही है जो हर बार बताते हैं, बार बार बताते हैं। जो दिया है नीचे, क्या दिया हुआ है हमें? 6,630। ये 6,630 क्या है? दोनों का मिला के। मैंने कहा संगीता को मिला 4, प्रीति को मिला 9, तो दोनों को मिला के कितना मिला बताओ ना? 4 इसे 9 इसे, दोनों को मिला के मिला 13। दोनों का जोड़ दिया था तो नीचे दोनों का जोड़, जो दिया है नीचे और जो पूछेगा ऊपर। संगीता जी चाहता है तो संगीता जी यानी कि 4 ऊपर। बोलो कोई तकलीफ यहां तक? समझ आया सभी को? ओके, काटते हैं इसको। काट लेंगे आप? वेरी गुड, काट लेना, ठीक है? और काट के आपका आया 2040, ठीक? ओके, मैंने कहा 13 पंजे 65 और 13 एकम 13 और 0, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 2040, ठीक है सभी को? संगीता का हिस्सा 2040। मैंने कहा प्रीति पूछता तो नीचे तो वही रहता, कुल दिया है कुल नीचे। प्रीति पूछता, प्रीति का हिस्सा यानी 9 ऊपर। कर लेते आप? बोलो ओके। 0, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, ठीक है? शाबाश, पहला सवाल। मैंने कहा हर बार यही लगेगा, जो दिया है नीचे, जो पूछेगा ऊपर। टोटल दिया था इसलिए टोटल नीचे रखा। देखिए अगला सवाल आपको और क्लियर होगा, ठीक है? क्या कहता है? सुरेश और प्रभात के अंग्रेजी विषय में प्राप्तांक का अनुपात। सुरेश और प्रभात 3:4। कहता है प्रभात को सुरेश से 25 अंक ज्यादा मिले, जो दिया है कहाँ? नीचे, और जो पूछेगा ऊपर। ये 25 क्या है? प्रभात के सुरेश से डिफरेंस, तो हमारा प्रभात और सुरेश का डिफरेंस नीचे। प्रभात को सुरेश से कहता है 25 ज्यादा मिले। मैं कह रहा हूं हमारे प्रभात को सुरेश से कितना ज्यादा मिल रहा है भाई? 1। जो पूछेगा ऊपर, सुरेश बाबू तो 3 ऊपर, प्रभात बाबू अगर पूछता तो 4 ऊपर। कहता कुल दोनों का जोड़ बताओ तो ऊपर क्या आता? 7, जो दिया है नीचे और जो पूछेगा ऊपर। आप निकाल लेंगे ऐसे। देखिए आपका तो यही पूछा था, यही आंसर। ये पूछेगा तो 100, ये पूछेगा तो 175। आया ना समझ में? ओके, सिंपल फार्मूला जो बार बार पढ़ते आ रहे हैं हम, हर बार यही पढ़ते हैं, हर रोज इसमें, हर चैप्टर में इसको हम यूज करते हैं। जो दिया नीचे, जो पूछा है ऊपर। आप इसे अच्छे से समझ लें, ठीक है? देखें आगे। शाबाश, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 में क्या कहता है। एक की आय और व्यय का अनुपात यानी कि इनकम और एक्सपेंसेस रेशियो है 5। कहता है आय व्यय से 800 रुपए ज्यादा, डिफरेंस 800, हमारा डिफरेंस, हमारी आय व्यय से कितनी ज्यादा है बताओ ना? कितनी ज्यादा है? आय 5 और व्यय 4, कितना ज्यादा है? 1। वेरी गुड, शाबाश। और जो पूछेगा ऊपर, क्या पूछ रहा है? कुल आय इनकम 800 पंजे 4,000। देखा, पूछा है इनकम और तुम में है दम, निकाल के दिखाओगे इनकम, तभी तो एक दिन मिलेगी तुमको भी इनकम। आया सवाल समझ में?
हो गए तीनों के तीनों, जो दिया है नीचे, जो पूछा ऊपर, डिफरेंस दिया था डिफरेंस नीचे, इनकम पूछ रहा था पांच ऊपर। ओके, इनकम क्यों कहते हैं, जितना भी इन हो कम लगता है ना, जिसकी जितनी इनकम उसको वो भी लगती है कम, इसका मतलब इनकम। शाबाश, देखिए क्वेश्चन नंबर 17। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है आपके लिए। कहता है किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, यानी कि बॉयज रेशो गर्ल, 4.5, 4.5 और 3.5, यानी 4.5 और 3.5। ठीक है, लड़कियों की संख्या गर्ल समेत दी हुई है कितनी, 1540। कुल छात्र पूछ रहा है यानी बॉयज प्लस गर्ल्स कितना, फॉर्मूला वही है जो दिया है नीचे, जो पूछा है ऊपर। देखिए आप चाहे तो देखो दोनों में एक एक स्थान पे दशमलव है, दशमलव कट सकता है। 5 निम्न 45 और 5 7 35, क्या अनुपात आया, 9:7। अनुपात को हम सिंपलेस्ट बनाते हैं, गर्ल्स दिया है तो गर्ल्स नीचे, बॉयज और गर्ल्स पूछ रहा है मिलाकर के, बॉयज पूछता तो 9 ऊपर, दोनों को अंतर पूछता तो 2 ऊपर, ठीक है, पर दोनों का जोड़ पूछ रहा है तो 16 ऊपर। बोले ओके, 7 2 जा और 7 2 जा और 0, ओके 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32 और 3 35, 3520 कुल बच्चों की संख्या। बताइए कोई तकलीफ इसमें, सिंपल है ना, सबको समझ में आया होगा। देखिए 18, ठीक है 18 दिख रहा है यहां तक, कहता है दो धन है 3:4 के अनुपात में, पहला धन 810 तो पहला धन दिया है पहला धन नीचे, दूसरा धन पूछ रहा है दूसरा धन ऊपर। आपको बस यही ट्रिक याद रखनी है, जो दिया है वो नीचे और जो पूछेगा वो ऊपर, समझ आया, जो दिया है वो नीचे और जो पूछेगा वो ऊपर। बस पूरे चैप्टर में हमने अभी तक ये लगाया, कितने सारे एग्जाम्पल करे, उम्मीद है समझ आया होगा। ठीक है चले आगे, 27 81 और 27 चौके आपने लगा दिया कितना, 1080। ओके सिंपल, चले आगे, आइए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिए भाई इसे मिटा देते हैं, अब क्लियर है। हाँ जी, 19 में ये क्या कह रहा है, ए बी और सी के बीच राशि जो बांटी गई है 2, 3 और 2, कहता है ए को मिले 6000 तो जो दिया है नीचे, हमारे ए को मिले 2, बी और सी को मिलाकर कितने मिले, तो हमारे बी और सी को मिला के मिले 5, जो पूछेगा ऊपर। ठीक है, 2 3 6 और 3 5 15000, है ना आसान। चले आगे आइए क्वेश्चन नंबर 20 करें शुरू। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 20, देखिए सारा का सारा ये वाला मेथड आज आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। मैंने कहा क्या, 4500 रुपए एबीसी में बांटने, यानी एबीसी का टोटल है 4500 रुपए। कैसे बांटने हैं कि ए को मिले 4, बी को मिले 3 तो सी को मिले 2। ठीक है ओके, फॉर्मूला क्या है, जो दिया है नीचे। ओके क्या है फॉर्मूला, जो दिया है नीचे, कुल 4500, तो हमारा कुल कितना हो गया, 4 3 7 और 2 9, हमारा कुल कितना हो गया, 4 3 7 और 2 9, जो दिया था वो नीचे। क्या पूछ रहा है, पहला 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 पूछता है ए और सी के हिस्से में अंतर, बताओ ए और सी के हिस्से में अंतर कितना है। मैंने कहा जोड़ दिया था हमने नीचे, जोड़ ले लिया तीनों का, ए और सी का अंतर पूछ रहा है, ऊपर ए और सी का अंतर आ जाएगा, यानी ऊपर क्या आया, शाबाश 2, नीचे क्या आया 9, और 9 5 4500 और 500 दूनी 1000। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल शाबाश। देखिए अगला इसमें क्या कहता है, दूसरी चीज और पूछ रहा है। देखो 4500 कुल दिया ही हुआ है, हमारा कुल तो 9 ही है, जो पूछेगा ऊपर, दूसरी चीज में क्या पूछता है, बी और सी का योग, तो ऊपर क्या आएगा 5, बी और सी का योग पूछ रहा है ना, तो ऊपर क्या आएगा 5। ओके पहले वाले में क्या पूछा था, ए और सी का अंतर, तो ऊपर क्या आया था, ए और सी का अंतर, क्या हुआ ये 9 5 45 और 5 5
2,500, 2,500। बोलिए बिल्कुल सिंपल, जो दिया है नीचे, जो पूछेगा ऊपर, यही करते जा रहे हैं हम बार बार। देखिए कुल दिया है 4,500, तो नीचे कुल 4, 3, 7 और 2, 9। जो पूछेगा ऊपर, तीसरे वाले में क्या पूछा है, ए को बी से कितना ज्यादा मिला, बताओ ए को बी से कितना ज्यादा मिल रहा है, एक, तो ऊपर क्या आया, एक, आपका आंसर हो गया 500। ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए, ओके ठीक है, चले आगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए भाई 21, शाबाश, क्या है 21 में, हाँ शाबाश, सब आपको अच्छे से आ चुका है, वेरी गुड, समझ रहा हूं मैं, अब आप मुस्कुराने लगे हो, ठीक है। कहता है किसी फार्म में 3,618 पेड़ हैं, कुछ है काजू, कुछ है आम, कुछ है नारियल, कुल पेड़ 3,618, और कहता है 1:3:5 के अनुपात में है, जो दिया है नीचे, कुल 3,618, हमारे कुल 5, 3, 8 और 1, 9, कुल दिया है, कुल नीचे। कहता है नारियल के वृक्ष कितने हैं, कितने हैं, 5 ऊपर, नारियल के पूछ रहा है ना, 5 ऊपर, काटो ना, 9 चौके 36 और 9 दुनी 18, भाई 9 चौके 36 और 9 दुनी 18, हो गया ना गड़बड़, 9 चौके 36, एक नहीं जाता, ना जाने की 0, ये कौन लगाएगा, मैं लगाऊंगा, है ना, हाँ ये आप कहेंगे कि मैं लगाऊंगा, 5 चौके 20 और 5 दुनी 10, 2,010 कुल नारियल के पेड़, हो गया ये भी, चले फिर अब, ओके तो आते हैं क्वेश्चन लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। कहता है एबीसी की मासिक आय का अनुपात 2:3:5 और सी की आय ए की आय से 12,000 अधिक है, ये 12,000 क्या है, सी और ए की आय का अंतर, सी की मासिक आय ए की मासिक आय से कितना ज्यादा है, 12,000, और हमारी कितनी ज्यादा है, 3, सी और ए का अंतर दिया था तो सी और ए का अंतर नीचे, ओके। जो पूछेगा ऊपर, बी की आय पूछ रहा है तो ऊपर क्या आया, बी वाला हिस्सा, यानी फिर 3, तो क्या बचा हमारे पास, ही तो कट गया 12,000, आंसर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी पूरा नहीं हुआ, देखो यही गलती करते हो, आंसर आने के बाद कंट्रोल नहीं होता, सीधा फिर आप धुम ऑप्शन ढूंढने लगते हो, और ऑप्शन दिख जाता है गलत लगाते हो, क्या पूछ रहा है ये, वार्षिक आय, ये क्या है, मासिक आय का अंतर, तो ये मासिक आय आई ना 12,000, जब महीने के 12,000 कमाऊंगा तो साल के कितने कमाऊंगा, 12 गुणा 12, 144,000, 1,44,000 रुपए, ये आई बी की वार्षिक आय। अब बताइए किसी को कोई समस्या, ये पूरा का पूरा आपको जो दिया है नीचे, जो पूछा है ऊपर, अच्छे से समझ आया होगा, मुझे लगता है अब इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। रेशियो प्रोपोर्शन में हमने इसको यूज किया, परसेंटेज वाले में इसको आपको परसेंटेज के किस तरह से करते हैं वो भी आपको बताया था, कैसे जो दिया है नीचे जो पूछा है ऊपर यूज करते हैं, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, और अपने सभी दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए, जितने लोग तैयारी करने वाले हैं सभी को इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, और कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, चलें दोस्तों, ओके आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, सी यू।